यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधियों से बात की। इस फोरम में बोइंग, एडोब, फेसबुक, ओरेकल जैसी 26 कंपनियों के प्रतिनिधि थे। योगी ने निवेशकों को यूपी में सिंगल विंडो सिस्टम देने का भरोसा दिया, साथ ही कहा कि इसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे कि निवेशक परेशान न हो। चित्रकूट यात्रा के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 किलोमीटर की कामतगिरी परिक्रमा में हिस्सा लिया। कामतगिरी मंदिर में पूजा के बाद योगी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। योगी ने रामघाट के विकास की योजनाओं की घोषणा की, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का संकल्प भी दोहराया। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर कहा कि जो लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। महाराजगंज में एक सम्मेलन में राजभर ने कहा कि वो ऐसे अभिभावकों को पहले समझाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें जेल भिजवा देंगे। यूपी के फरुखाबाद सेंट्रल जेल में कैदी ने दूसरे कैदी की गला दबाकर हत्या कर दी। हरभान सिंह तिहरे हत्याकांड में सजा काट रहा था। जेल में उसी के बैरक में रहने वाले एक कैदी अमर सिंह से उसका झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि अमर सिंह ने हरभान सिंह का गला दबा दिया। नोएडा में मामूली कहासुनी पर एक व्यक्ति ने 22 साल की लड़की पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और फरार हो गया। लड़की को गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल रेफर किया गया है। लड़की नोएडा के नयाबास में आरोपी के घर आई हुई थी। ये पता नहीं चल पाया है कि विवाद क्या था। इलाहाबाद के कालंदीपुरम में फायर ब्रिगेड के गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों कीमत के प्लास्टिक पाइप जलकर बर्बाद हो गए। ये पाइप सीवर लाइन के लिए रखे गए थे। आग लगने की वजह साफ नहीं है, अंदेशा शॉर्ट सर्किट का है। यूपी के मऊ में एक टीचर ने स्कूल के हेडमास्टर और उनके बेटे पर कमरे में बंद करके पीटने का आरोप लगाया है। टीचर का कहना है कि हेडमास्टर अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे से स्कूल चलवाते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था। वहीं हेडमास्टर का कहना है कि टीचर अक्सर स्कूल से गायब रहते हैं, उन्होंने सख्ती की, इसीलिए उन पर यह आरोप लगाया गया है। पंजाब में बिजली 9.33% महंगी हो गई है। पूरे 3 साल बाद हुई ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2017 से लागू होगी। PACRC के मुताबिक बिजली की बढ़ी हुई दरें 9 महीने में किस्तों में ली जाएंगी। फैसले के मुताबिक घरेलू बिजली दरों में 7-12% और कमर्शियल में 8-10% की बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए 38 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। पंजाब में बिजली कीमतों की बढ़ोतरी का अकाली दल ने कड़ा विरोध किया है। अकाली दल ने बढ़ोतरी पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने इंडस्ट्री को 5 रुपए यूनिट बिजली देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा न करके पंजाब से धोखा किया है। पंजाब के खन्ना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया। ये गांजा बिहार से खरीद कर लाया गया था। दरोहा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की तो इंडिका कार में 3 लोग पकड़े गए।